देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। फिल्मी हीरो की तरह दिखना हो तो हर किसी का यह सपना होता है और बच्चों में इसे लेकर एक अलग ही क्रेज देखा जाता है। लेकिन अब भारत के योद्धा विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी से बच्चों में अभिनंदन जैसा बनने और वैसा दिखने की होड़ सी लगी है। जी हां, ऐसा ही क्रेज देखने को मिला उदयपुर के झाड़ोल कस्बे में स्कूली बच्चों में। आइए आपको भी दिखाते हैं नन्हे बच्चों की फौज का जोश। 56 घंटे पाकिस्तान की कैद में रहकर वतन लौटा विंग कमांडर अभिनंदन अब देश के लिए वो जाबाज हीरो बन चुका है जिसके तरह हर कोई बनना चाहता है। ऐसे में बच्चों के मन पर भी अभिनंदन की बहादुरी की ऐसी छवि छाई है कि वे भी अब सेना में जाकर वैसे ही बनना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा ही दिखा झाड़ोल स्कूल के सैकड़ों बच्चों की ओर से निकाली गई रैली में, जहाँ स्कूली बच्चों ने अभिनंदन की तरह ताव देती मूछे और सिर पर भारतीय झंडे की टोपी लगाकर पूरे गांव में रैली निकाली। इस रैली के दौरान देश के भावी सैनिकों जैसा जोश इन बच्चों में देखने को मिला। और तो और, बच्चों का कहना है कि वो भी बड़े होकर विंग कमांडर अभिनंदन की तरह बहादुर बनना चाहते हैं। हमें गर्व है बहादुर जाबाज अभिनंदन पर जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। हम भी पढ़ लिख कर अभिनंदन जैसा बनना चाहेंगे। पाकिस्तान की कैद से देश में वापसी पर विंग कमांडर अभिनंदन का हम स्वागत करते हैं। हम भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उनके जैसा बनकर देश की सेवा करेंगे। अभिनंदन इन बच्चों के लिए वो योद्धा है जिन्होंने न सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे किए बल्कि उनकी कैद में रहने के बावजूद भी ना वो झुके ना दुश्मनों की कोई शर्त मानी और अपने अदम्य साहस को बरकरार रखा। बच्चों की जोश भरी रैली के बारे में स्कूल प्रबंधक ने भी उन्हें खूब सराहा। हाल ही में पुलवामा में जो आतंकवादी घटनाक्रम हुआ तो उसे लेकर हमने प्रयास किया कि अपने बच्चों को ये समझाया जाए कि ये आतंकवाद क्या है, आतंकवादियों का मकसद क्या होता है और किस तरह से क्या प्रयास करके हम इस आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं। तो पल पल के घटनाक्रम को जब बच्चों के सामने रखा गया तो बच्चों ने आज ये सवाल किया कि सर हम क्या करें, क्या प्रयास करें कि हम भी अपने विंग कमांडर, अपने देश के वीर बहादुर साहसी अभिनंदन की तरह बन सके। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चों में खेलकूद की भावना होनी जरूरी है, बच्चों को खेलकूद से जोड़ना जरूरी है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच हर देशवासी अब आतंकी हमलों को लेकर आक्रोशित नजर आ रहा है। यह आक्रोश अब सिर्फ युवाओं में ही नहीं बल्कि अपने नन्हे नौनिहालों की आंखों में भी देखा जा सकता है। ऐसे में अभिनंदन वर्धमान को प्रेरणा मानकर देश की भावी पीढ़ी खुद को सेना के लिए तैयार करने में जुट गई है। उदयपुर से A1 TV के लिए रवि मल्होत्रा की खास रिपोर्ट।